तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अगर तुम अमन से ही प्यार करती हो तो मैं तेरा साथ दूंगा। क्योंकि तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है सरगम। लेकिन एक बात से तूने मेरा दिल बहुत दुखाया है। तूने आज तक मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपाकर अपने प्यार की कुर्बानी देने चली थी तू? एक बार अपने इस भैया से कहकर तो देखती। अपने इस भैया पर जरा भी भरोसा नहीं है तुझे? भैया, मैं खुद अपनी दिल की आवाज नहीं सुन पाई, और जब सुनी तब बहुत देर हो चुकी थी। घर की इज्जत, मान मर्यादा, पापा ने सिखाई हुई बातें, इन सब के बारे में सोचकर मैंने वो आवाज अनसुनी कर दी। तुझे क्या लगता है, तेरी इस कुर्बानी से हम सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे? सरगम, तू ये क्यों भूल जाती है, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी चाहते हैं। तेरी एक मुस्कुराहट की खातिर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। तू हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और कुछ नहीं। तेरी शादी उसी से होगी जिसे तू चाहती है। पर बाबा, तू अपने इस भैया पर भरोसा है ना? तो बस अपनी सारी चिंताएं छोड़ दे और आराम कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बुद्धू कहेगी, बड़ी चली थी समझदार बनने। अमन बेटा, दरवाजा खोलो। दादी जी, क्या हो गया? अमन भैया दरवाजा नहीं खोल रहे। देखना मक्खन, अमन ने कल से ना कुछ खाया पिया है और ना ही दवाई ली है। रात से दरवाजा बंद करके बैठा है। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। अमन भैया प्लीज दरवाजा खोल दो। अमन भैया, अरे भैया दरवाजा खोलिए। लाइए सूप मुझे दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। अमन दरवाजा खोलो। अमन प्लीज दरवाजा खोलो। ठीक है, मत खोलो। अगर तुम भूखे रहोगे तो मैं, पिंटू, चिंकू, हम में से कोई कुछ भी नहीं खाएगा। हाँ भैया, प्लीज खोलो ना। बच्चों, आप लोग जाकर पढ़ाई करो, भैया से बाद में मिल लेना। मक्खन सिंह, आप लोग जाओ। ठीक है, आ जाओ। चिंकी आओ। चलो 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 बेटा। अमन बेटा, सूप पी लो, तुम्हारा फेवरेट सूप है, चलो पी लो। मुझे नहीं पीना चाची। देखो अमन, तुम्हारी हालत मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने कभी भी तुमसे प्यार ही नहीं किया है, तुम उसके लिए अपना मन क्यों मैला कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे, क्यों बड़ी अम्मा? हाँ बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ, इसी में भलाई है। अपना नहीं तो कम से कम बड़ी अम्मा और बाबूजी का तो ख्याल करो। तुम्हें क्या लगता है, इस उम्र में तुम्हें उनको इतने सारे दुख देने चाहिए? तुम ही सोचो, तुम्हें इस हालत में देखकर ये लोग क्या खुश रह पाएंगे? सूप पी लो बेटा। देखो अमन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अंजलि।
दुर्गा। हाँ? ये मक्खन बता रहा था कि अमन ने सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंजलि की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। हम लोग अभी अभी अमन को सूप पिलाकर आ रहे हैं। अंजलि बेटा, तुमने सचमुच बहू का फर्ज निभाया, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम और आदित्य मिलकर घर और कंपनी की जिम्मेदारी अच्छे तरह से संभालोगे, मुझे यकीन है बेटा। दुर्गा एक मिनट। हमें क्या चौकीदार समझ के रखा है कि जिंदगी भर आपकी संपत्ति की देखभाल करते रहेंगे? हमें तो इस जायदाद का मालिक बनना है, पर आप तो ये होने नहीं देंगे, इसलिए आपके वारिस की देखभाल मैं इतनी अच्छी तरह से करूंगी कि अमन जाएगा पागलखाने में और आपकी संपत्ति होगी हमारी मुट्ठी में। सरगम, सरगम, सर, अरे सुन, जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? देख, बाबा किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें वापस आने में कुछ घंटे लग जाएंगे, तब तक हम बाबा जी से मिलकर आएंगे। देख, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तू जल्दी से तैयार हो जा। पर भैया, बाबा को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अपने भैया पर भरोसा है ना? तो बस, तू जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, शोभिता को भी बुला लेना, उसे कहना हम कॉफी शॉप पर उसका इंतजार करेंगे, वहीं आकर मिले। भोले भोले भोले, ओम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोल बेटी, तेरी क्या समस्या है? बाबा, मैं एक दौरे पे खड़ी हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी राह चुनूं, कौन सी राह मेरे लिए सही है। एक तरफ है समाज, रस्म और रिवाज, और दूसरी तरफ मेरा प्यार। बस बस बेटी, मुझे तुम्हारी सारी दुविधाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। पर कैसे बाबा जी, वो भी तो बताइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बेटी, पूर्णमासी के दिन यानी कल तुम राधा कृष्ण के दरबार में जाना, वहां तुम्हें एक संकेत मिलेगा, उससे तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। पर अमन और वेदांत को मैं एक ही जगह कैसे लेकर जाऊं? ये कैसे हो सकता है बाबा? बेटी, ये सारा संसार उसके इशारों पर चल रहा है, एक एक सांस उसने सबकी लिख रखी है, उसने सबकी जोड़ियां बनाई हैं, और वो ही जोड़ियों को मिलवाता है। तुम बेफिक्र रहो, उसने जिसको तुम्हारे लिए चुना है, तुम्हारा विवाह उसी से होगा, चिंता छोड़ दो। अच्छा बाबा जी, ईश्वर तुम्हारी समस्याओं का समाधान करे, जाओ। सरगम। हाँ बेटी सरगम। डॉक्टर अंकल, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे? बात क्या है, बताओ तो सही बेटा।
क्या कल आप राधा कृष्ण की आरती पर एक बार अमन को ला सकते हैं? क्यों फिर से उसे परेशान करना चाहती हो सरगम बेटा? प्लीज उसे उसके अपने हाल पर छोड़ दो। आगे उस पर बहुत ज्यादती हो चुकी है, उसे मिलकर फिर उसे दुखी क्यों करना चाहती हो? बस एक बार अंकल, मेरे लिए किसी ने मुझे कहा है कि कल भगवान खुद हम दोनों की किस्मत का फैसला करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अमन को प्लीज एक बार वहां लेकर आइए, आप लाएंगे ना? पता नहीं ये लड़की क्या बोल रही है, पर इसने कभी अमन को नुकसान तो पहुंचाया नहीं, हमेशा भला ही चाहा है उसका। क्या पता शायद कल वहां जाने से अमन की मानसिक स्थिति में कुछ सुधारी हो जाए। All right. But mind you, उसको किसी भी किस्म का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस उसे लेकर आ जाइए। All right. सरगम, सरगम। बाय डॉक्टर अंकल। कहाँ हो? अरे आओ जल्दी। जल्दी इधर। देखो कल पूर्णमासी का त्योहार है और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम पूर्णमासी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। राधा जी कृष्ण जी की पूजा होगी, रासलीला होगी। मेरे हिसाब से सारे लड़कों को कृष्ण जी की ड्रेस में और सारी लड़कियों को राधा जी की ड्रेस में आना चाहिए। और ये सारा अरेंजमेंट तुम देखोगी। बोलो आइडिया कैसा है? लेकिन वेदांत, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो क्या है ना कि सरगम ने अपनी शादी के लिए एक मन्नत रखी थी, जिसे पूरा करने के लिए उसे कल कृष्ण जी और राधा जी के मंदिर आरती के लिए जाना ही होगा। ये सब शादी के लिए हो रहा है? तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? इनफैक्ट मैं काम करता हूं, मैं भी तुम लोगों के साथ मंदिर चलता हूं। इस बार की पूर्णमासी वहीं मना लेंगे, क्यों? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ये अमन अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? डॉक्टर अंकल ने कहा था कि वो उसे लेकर जरूर आएंगे, पर वो है कहाँ? वाह, कितना खूबसूरत मंदिर। बाकी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हर पूर्णमासी पे हमें यहाँ आना चाहिए, है ना? जल्दी आरती शुरू होने वाली है, पता नहीं अमन अभी तक क्यों नहीं आया। क्या यही किशन जी का संकेत है? क्या वेदांत का यहाँ होना और अमन का ना होना यही बता रहा है कि वेदांत ही मेरा भविष्य है? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, आयुष्मान भवाष्मान, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और सज्जनों, आज पूर्णमासी के शुभ अवसर पर किसी एक जोड़ी को श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से वो धन्य हो जाएगा।
और उस जोड़ी को चुनने के लिए हम एक फूल युवतियों की तरफ और एक पुष्प युवकों की तरफ फेंकेंगे। जिस युवती के पास वो पुष्प और युवक के पास पुष्प गिरेगा, उसको आज राधा कृष्ण की जोड़ी मानी जाएगी और उसे भगवान की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन श्री। यही चाहते हैं, शायद वो अमन नहीं वेदांत है जिसके साथ भगवान ने मेरी जोड़ी बनाई है। शायद यही भगवान की मर्जी है। अब जोड़ी चुनने का समय आ गया। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। की बारी